गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और इसमें बेसिकली क्वांटम कैटेगरी जो बुक है मैंने उसको ली, सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। इस बुक में जो हमारी कैट के जो क्वेश्चंस हैं वो फोर टाइप्स में डिवाइड है। फाउंडेशन कोर्स है, फिर आपका लेवल्स है, उसका लास्ट में एक्सपर्ट लेवल है। तो दो लेवल तक आप लोगों को यहाँ कराने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी सब लोग पढ़े हुए हैं। ऑडियो और विजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम किसी को पहले वो बता दिए, बाकी लोग नहीं करा। चैट के थ्रू बता दीजिए किसी को ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। रोज बताइए कोई प्रॉब्लम। निकिता, क्वेश्चन की विजिबिलिटी से लेके ऑडियो तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो। हर्षित, नो प्रॉब्लम। निकिता, ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखो म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखना, कोई आपको बात पूछने तो अनम्यूट कर लिया करना और फिर म्यूट कर देना, है ना, वरना फिर बहुत सारी साउंड पीछे की बैकग्राउंड आता है और लोगों को डिस्टर्ब होता है। बस इसका ध्यान देना और कोई कारण नहीं। ऑप्शन म्यूट का मैंने आपको दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन अ पब्लिक लाइब्रेरी देयर आर 40% ऑफ विच आर साइंस बुक्स। इट वॉज डिसाइडेड टू एड 20,000 न्यू बुक्स टू द लाइब्रेरी। हाउ मेनी ऑफ द न्यू बुक्स शुड बी साइंस बुक्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक्स इन द लाइब्रेरी अप टू 45%। सेकेंड लीजिए अगर आप लोग कर सकते हैं। एक मिनट दे रहा हूं, अगर कर सकते हैं तो बताइए आंसर क्या। ऑप्शन आपके सामने है। राइट नाउ हमारे पास जो अभी बुक्स हैं 11 लाख बुक्स हैं हमारे पास। इसमें हमने 20,000 बुक्स और ऐड कर ली, क्लियर, न्यू बुक्स। लेकिन ये बुक साइंस की नहीं है फिलहाल। अभी साइंस की कितनी थी, 40%। तो सबसे पहले आप 11,000 बुक्स का 40% निकाल लीजिए, सो डेट यू विल गेट हाउ मेनी बुक्स ऑफ साइंस। साइंस की बुक्स निकल आ जाएंगी आपकी। तो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ न्यू बुक्स शुड बी साइंस बुक्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक्स 45%। साइंस की बुक कितनी हो जाए, 45%। तो ऑलरेडी हमारे पास इतनी बुक्स हैं साइंस की। लेट सपोज उसमें एक्स बुक हमने ऐड करी, एक्स साइंस की बुक्स हमने ऐड करी हैं 40% रिमेनिंग साइंस बुक्स में जो ऑलरेडी बिफोर थी। और इनकी जो परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल बुक्स, टोटल बुक्स कितनी हो चुकी है अभी तक हमारे पास, प्लस 20,000। एंड दिस विल इक्वल टू 45%। 45% मीन्स 45/100। किसी को एक क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। लेट टोटल बुक्स हमारे पास एक्स, जो हमने नई नई साइंस की बुक्स ऐड करी, तो साइंस की बुक्स में ऐड कर दी, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक्स बस 11,000 प्लस न्यू बुक्स 20,000। अब हमारी ये बुक्स कितनी हो जाए लाइब्रेरी में साइंस की, 45%। और उस बताइए निकिता कोई प्रॉब्लम? नो सर आ रहा है। ठीक है तो आंसर बताइए फिर कैलकुलेशन करके। हम लोग यहाँ पे ना काफी और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हो गया, हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बुक्स निकाल लेते हैं। तो 11 फोर सा 44,
तो 44,000 हमारे पास बुक्स हैं जो साइंस की हैं, और टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है, 1,30,000। ऐसे हम कितनी बुक्स ऐड करें कि दिस विल बी 45। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1,30,000 का 45% निकाल लीजिए, 1,30,000 का 45% निकाल लीजिए। यहां से का आंसर लग सकते हैं, हीट एंड टाइल के लिए आप यहाँ जैसे 15,000 यहाँ पुट करिए, सपोज ए आंसर है। अगर ये वैल्यू 45 आ जाए तो आपका आंसर, बट ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, ये लॉन्ग कट पड़ेगा। आंसर बताइए। 14,500 14,500 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो यहां से आपकी बुक्स आ जाएंगी 5,850। ऑलरेडी आपके पास 44,000 है ही बुक्स, तो 44,000 बुक्स माइनस कर देंगे तो 14,500 बुक्स आ जाएंगे। अर्षद कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। अ बैट्समैन स्कोर 110 रन्स which include three bounties and eight sixes. Three bounties means 4 threes are 12 run, or 8 sixes means 8 into 6, 48 runs. तो total runs जो हैं 60 run out of 110 runs. अगर कोई no ball or white ball हम consider नहीं करते हैं, means 50 runs जो हैं वो उसने by walking या दौड़ के बनाए हैं, ठीक है, running between the wickets. तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर, ऑफ हिज टोटल स्कोर, तो 50 रन डिवाइड बाय टोटल स्कोर इनटू 100, ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज। आंसर बताइए। इलेवन फोर जा फोर का 45, यस एक ही ऑप्शन है, 45, 5/11 परसेंटेज। प्रथम ठीक है आपका आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3। अ स्टूडेंट स्कोर 90%, 60%, 54% मार्क्स इन टेस्ट पेपर 100, 150, 200 respectively as maximum मतलब percentage of his aggregate, ठीक है, 100 में 90% means 90 मार्क्स हो गए, 150 में 60% 15 6 90 मार्क्स हो गए, और 200 में 54 यानी कि 108 मार्क्स हो गए। सिंपल सी बात है, 200 में 54, इसकी परसेंटेज आउट ऑफ टोटल बतानी है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 200, 350, 350 और 100, 450 मार्क्स इनटू 100। बताइए आंसर जल्दी से। into 100, सिक्सटी फोर परसेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पिक करते हैं। इफ टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था ऐसे क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। देखिए 2 के बाद बताया डिनोमिनेटर होता है, 2 से पहले न्यूमरेटर होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा इनटू 100। तो फ्रेंड क्लास में बता चुका हूं, चलिए फर्स्ट नंबर, इफ टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20 एंड 50%, थर्ड नंबर मानिए 3 नंबर है एबीसी, फर्स्ट नंबर इज 20% एंड सेकेंड नंबर इज 50% ऑफ अ थर्ड, सपोज दिस इज 100, दिस इज 20%, मींस ए वैल्यू इज 20 एंड बी वैल्यू इज 50, सो द फर्स्ट नंबर इज न्यूमरेटर, सेकेंड नंबर इज डिनोमिनेटर इनटू 100, 40% इज द राइट आंसर। रोज क्लियर है?
यस सर. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इन एन एग्जामिनेशन 5% ऑफ एप्लीकेंट वर फाउंड इन एलिजिबल एंड 85% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी. ठीक है, सपोज 100% की हम बात करते हैं, 5% आर वर फाउंड इन एलिजिबल एंड 85% ऑफ द एलिजिबल. एलिजिबल कितने हुए आपके? 95%. इनके जो 85% है आउट ऑफ 95% बिलोंग टू जनरल कैटेगरी. तो ठीक है, 95 का 85% निकाल लेंगे हम लोग. ए 4 to 7 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू दी अदर कैटेगरी. तो अदर कैटेगरी कितनी रिमेनिंग बची? 95 में से ये वैल्यू हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो ये बची अदर कैटेगरी. जल्दी से करिए. सो टोटल वैल्यू जो हमने 100 मानी थी इसको हम एक्स मान लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है. तो एक्स ऑफ दिस परसेंट जिसकी वैल्यू हमें गिवेन है, कितनी वैल्यू इसकी गिवेन है? 4 to 7 5. तो दिस विल इक्वल टू 4 to 7 5. आंसर बताइए. We can say this is equal to 95 to 15% remaining. So, हम ये भी पुट करके निकाल सकते हैं. मैं थोड़ा सा इरेजर का यूज कर लेता हूँ. हम इसका क्योंकि उससे भी क्वेश्चन का आंसर निकल आया, तो कोई x into 95% सही 15% क्यों रखा है? 100 minus 85. 100 minus 85 means 15% remaining. 15% out of 95. 30,000 is the answer, sir. 30,000. चलिए आंसर आ चुका है. Let's see. 4 to 7. और उसके लिए रहे वैसे वो बात? सर, ये 15% को लेके थोड़ा सा confusion है, क्योंकि 85% अपने 95% का लिया है ना. हाँ, I agree. But मैंने बताया ना, अपने आप में वो चीज 100% होती है ना, जब भी आप remaining off करती हैं. मैंने बताया था आपको. अब आप इसका 85 निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा? इसका 15% तो ही बचेगा. अच्छा बताइए, अगर इधर 85 आएगा तो इधर 15, तो 95% का 15%. चलिए x की वैल्यू बताइए हमें. हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड इन द एग्जामिनेशन? तो टोटल नंबर बताने हमें. एक आंसर प्रथम का आ चुका है, बाकी लोग बताइए. हर्षित बताओ आंसर बेटा कैलकुलेशन करके. रीजा 20 19 20. आई होप 3 से कट हो जाएगा. 3 बन जा 3 और 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 19 से मुझे लगता है कट हो जाएगा. 2 2 जा 400 400 into this. Yes, 30,000 is the right answer. 30,000 is the right answer. थोड़ी देख रही है स्क्रीन, प्रॉब्लम करेगी फिर सही हो जाएगी. थोड़े नोटिफिकेशन आए तो उसे ऑफ करना था. हम लोग किस पे थे? यस, फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, 30,000 आ चुका था. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. दीपा डिसाइडेड टू डोनेट 8% ऑफ हर सैलरी टू एन ऑर्फन. On the day of donation, she changed her mind and donated 2240, which was 80% of what she said decide earlier. Okay, fine. देखिए, first of all उसने donate, suppose कि पास x rupees थे, उसका 8% उसे donate करना था. जब donation किया तो वो 80% of what she had decided, ये decided amount था उसका. Decided amount का भी 80% दिया, which was 2240. देखिए, यहाँ पे हम लोग consecutive percentage का भी use कर सकते हैं, क्योंकि एक ही उस पे 2% work कर रही है. फिलहाल ये simple यहीं से हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा use करने की जरूरत नहीं थी. 4
जल्दी से बताइए आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? दीपा की सैलरी बताइए। हर्षित, दीपा की सैलरी बताओ। So this will be 35,000. Answer is C. Question number next, 7th लेते हैं। When the price of radio was reduced by 20%, its sale increased by 80%. What is the net effect on sale? थोड़ा सा शॉर्टकट की बात करेंगे। लॉन्गर देखिए, शॉर्टकट के लिए तो सिंपल सी बात है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस रिड्यूस हुआ है तो x इज इक्वल टू -20 लिखेंगे शॉर्टकट में, और बिकॉज इंक्रीज हुआ है तो y बराबर +80 लिखेंगे। अगर दोनों डिक्रीज होते तो दोनों वैल्यू माइनस में होती। आप इसे ट्राई करिए, बाकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ। सपोज आप 100 रुपीज के 100 रेडियो सेल कर रहे थे, 100 रुपीज पर रेडियो, तो टोटल सेल वाज 10,000। अब आपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया 20%, 80 रुपीज हो गया, और रेडियो कितने इंक्रीज हो गए, सेल 180 हो गए। तो आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे, सेम वही आंसर होगा जो यहां से आएगा। चलिए फिलहाल मैं -20 +80 +80 डिवाइड बाय 100, सो दिस विल बी 60 -16 44%। ये देखिए पॉजिटिव में आया 44, तो आंसर होगा 44% इंक्रीज। अगर ये साइन माइनस का आता तो आंसर होता 44% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 7%, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन? नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर मीन्स होता है बैलेंस का क्वेश्चन है ये। मतलब एक चीज इंक्रीज हुई तो दूसरी चीज उसके पैरेलल आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, सो डेट नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव बचे। ये 2D फिगर मेंसुरेशन में बताया था, फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला बताया था इसके लिए शॉर्टकट, एक्स अपॉन 100 ±x इनटू 100। तो प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 7%, यानी कि नीचे साइन प्लस का आएगा, अगर डिक्रीज होता तो ये माइनस का आता इन 200। आंसर बताइए चलिए जल्दी। हर्षित एक आंसर बताओगे बेटा आज तो, कैलकुलेशन पार्ट है। अरे रोज आंसर बताओ, इतनी तो लंबी कैलकुलेशन इसकी है भी नहीं, और ऑप्शन तो सामने लिखे ही है। सर 6.54, मतलब मैंने तो डेसिमल में निकाल दिया। तो आप ऑप्शन देखिए ना, ABCD, क्यों आप जा रही हैं इतने आगे? अकेस ऑप्शन है अपने एट क्वेश्चन के, आपको तो अपने एग्जाम में एमसीक्यू लगाना है ना, तो एट का आंसर बताइए क्या आएगा। इट्स सिंपल, 7/17% A is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में, प्रथम आपका सही है। A salesman terms were changed from a flat commission of 5% on all his sale to a fixed salary of this plus this commission on all sale exceeding 4,000. A salesman terms were changed. अच्छा जो 5% था तो ठीक है। If his remuneration as per the deal scheme was 600 more than by the first scheme, what was his sales worth? Remuneration as per the new scheme was 600 more. ठीक है fine. देखिए पहले उससे जो था कमीशन कितना था उसका 5%,
अब उसका कितना आ गया, उसको 1000 रुपीज तो फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 2.5% ऑफ वॉट एवर जितनी भी सेल होगी जब वो 4000 से ऊपर जाएगी। तो माना अगर 5000 की सेल थी तो 5000 माइनस 4000, 1000 रुपीज का 2.5% उसे मिलता है। क्लियर? इक्वल टू किसके है, 5% ऑफ सेल। ऑस्कर कितना है, 600 मोर, तो प्लस इसमें 600 कर लेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बताइए किस इसको इस इक्वेशन में प्रॉब्लम है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसका कमीशन 5% था, अब उसका 1000 रुपीज प्लस 2.5% हो गया, 1000 रुपीज प्लस 2.5, लेकिन 2.5 ओवरऑल पे नहीं, अगर उसकी सेल 4000 से ऊपर जाएगी, अगर 4000 से नीचे रहेगी सेल तो उसे कमीशन नहीं मिलना, ये 2.5। तो x माइनस 4000 जो भी सेल जाएगी उसे 4000 डिडक्ट होगा, देन आफ्टर आपको 2.5% कमीशन मिलेगा। और ये जो अमाउंट था वो पिछले अमाउंट से 600 रुपीज मोर था। तो हमने क्या किया, 5% ऑफ टोटल सेल प्लस 600। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये 1000, 2.5%, 25 into 4, 10,000 ये 5000 minus 2500, 2.5 upon 100 हो जाएगा x, और 10,000 तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी डिवाइड टू 30 डिवाइड बाय 12,000, द वैल्यू ऑफ x इज 12,000। आप इस क्वेश्चन में भी हिट एंड टाई लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो x की जगह जैसे 10,000 पुट करते हैं आप, तो 10,000 माइनस 4,000 6,000, 6,000 का 2.5% प्लस 1,000, अगर इसका डिफरेंस 600 आता तो आंसर हो जाता। प्रथम क्लियर है, बताइए आंसर, कोई रिलेटेड प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं नेक्स्ट सर। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट 0.08% ऑफ द मीटर्स ऑफ डिफेक्टिव, हाउ मेनी मीटर्स विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट 2 मीटर्स। अगर 2 मीटर आपका करना है तो सिंपल सा हो गया, लेट्स टोटल मीटर कपड़ा लिया उसका 0.08% उसने डिडक्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एंड वो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। आंसर बताइए जल्दी से। सिंपल है, आप 1 हटाएंगे तो 0 इंक्रीज हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 25,000, सॉरी x इज इक्वल टू 25,100 मीटर। रोज क्लियर है, 10 क्वेश्चनों का प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 पे करते हैं। ए इन्वेस्ट 10% मोर देन बी, बी इन्वेस्ट 10% लेस देन सी, इफ द टोटल सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट दिस, हाउ मच डी सी गेट, हाउ मच डी डिड सी गेट। चलिए सी की वैल्यू बता दें, ठीक है। चलिए ए इन्वेस्टेड 10% मोर देन बी, 10% मोर देन बी, एंड बी इन्वेस्टेड 10% लेस देन सी, 10% लेस देन सी। ठीक है, सपोज मैं अगर इसे 100 मानता हूँ सी की वैल्यू, 10% लेस मतलब 10 माइनस हो जाएगा 90, और 90 का 10% मतलब मोर का मतलब ये वैल्यू 99 हो जाएगी। If the total sum of their investment, total sum is 99x plus 90x plus 100x, इन तीनों के सम हो जाएंगे is equal to 14450। x की वैल्यू बताइए यहां से, और आपको c बताना है तो into 100 करके आंसर आ जाएगा। Hundred ninety nine, two eighty nine divided by this, 289909
5000 आया सर, ए आएगा 5000, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे करते हैं फिर। A sum of this is divided among A, B, C such that A received 20% more than C and C received 25% less than B. चलिए, A received 20% more than C and C received 25% less than B. What A share? आपको A का share बताना है। चलिए, suppose इसे 100 मान लिया, 100 में से 25 minus किया, means 75 आ गया। 75 का 20% 15 फाइव या 15 रुपीज ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 रुपीज। चलिए आगे की कैलकुलेशन करिए। इस 75 का 20% मतलब 1/5 कितना होता है, 15 ऐड कर दिया, 90 आ गया। और इनका सम कितना है, 4 5। ए सम ऑफ इस टेबल, अच्छा असम, सॉरी, 12 का आंसर बताइए जल्दी से। 175 and 90, तो 265 x into 2, sorry, 265 400 से 20 by 3 हो जाएगा परसेंटेज, 1548 A is the right answer. प्रथम आपने सही आंसर दिया, ऐसी का दिया ना ए आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशियो से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ वोटर्स cast their votes. तो अगर 100% है उसमें 75%, ठीक है, आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर इन बैलेट, 2% वोट वर डिक्लेयर इन बैलेट, अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का अगर हम 75% निकालें तो किसके इक्वल है, 9261। Find the total number of votes enrolled in that election. करिए स्टार्ट, एक्सप्लेन कर दिया है काफी। अच्छा, ए कैंडिडेट गॉट, कैंडिडेट गॉट, चलो चलो ठीक है, ये तो विनर, एक सेकेंड, अ कैंडिडेट गॉट, चलिए तो टोटल पॉपुलेशन इज एक्स। सबसे पहले एक्स में कितने परसेंट वोट पड़े, 75%, जिसमें से 2% वोट इनवैलिड, इनवैलिड मतलब 2% वोट को हटाना पड़ेगा, तो 2% का मतलब 100 माइनस 2% मींस 98% वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का भी 75% वोट मिले ए को, इसका भी कितना मिला, 75%, which was 9261। ठीक है, 23 is 9, 3 8, 3 3 is 9, 8, 3 3 is 9, 8, 3 3 is 4 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
16800. क्वेश्चन नंबर 13. सर ये हमने 75% दो बार क्यों लिया है इसमें? देखिए पहले तो आपने 75% लिया कि वोटर जिन्हें वोट दिया, फिर जितने भी वोटर्स थे बैलेट का उसमें 75% ए को मिले, ए कैंडिडेट को. आप ऐसे समझिए
पहले जैसे 100% लोग थे तो 75 ने वोट दिया, 25 ने नहीं दिया, है ना। अब जो 75 ने दिया उसमें 2% वोट थे वो इनवैलिड हो गए, तो मैंने 2% वोट को माइनस कर दिया। अब जो ये जो वैलिड वोट थे उसमें एक एक कैंडिडेट को मिले, एक बी कैंडिडेट को मिले, ऐसे समझ लीजिए आप। तो जो ए को मिले इन टोटल वोट का कितने मिले हैं, 75%। तो वैलिड वोट का 75% इक्वल टू 9261। ठीक है वरुष? ठीक है सर, आ गया। ठीक है फाइन। क्वेश्चन नंबर 14। A spider climbs its percent of height of the pole in 1 hour and the next hour it covered this percent of height remaining. Okay, it covered this. A spider climbs the height of pole in 1 hour and in the next hour it covered this of the remaining. अच्छा remaining height, ठीक है। If the height of the pole is this, then distance climbed second hour. ठीक है, remaining का 12.5। देखिए दिस इज 192, तो सबसे पहले 192 का 1 hour में 62 1/2% वो क्लाइंब हो गया, तो जो रिमेनिंग बचा है इसका, यानी कि आप जो वैल्यू है कि उसे 192 में से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचा उसका वो 12.5%, ये आपका राइट आंसर होगा और ये वैल्यू होगी आपकी रिमेनिंग। चलिए करने का स्टार्ट करिए, बताइए आंसर। निकिता बताओ जल्दी से आंसर। हर्षित, पहले आपको 192 में फर्स्ट आवर 62.5% वो क्लाइंब हुआ, तो जो वैल्यू आएगी उसे 192 में से माइनस कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट आवर नॉर्मल से आते वो रिमेनिंग हाइट में से ऊपर बढ़ेगा, तो जो रिमेनिंग आएगी उसका 12.5 चला हुआ। एक बात और, ये जो 12.5 होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो जो भी रिमेनिंग है उसका 1/8 कर देगा, इसलिए आंसर निकल आएगा। इन कंपैरिजन आप 12.5 करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए इतने में तो हो जाता है 2 2 4 1 5 6 2 12 25 डिवाइड बाई 100 9 मीटर 9 meter. Yes, 9 meter is the right answer. Very good. ये जगह 125/100, 125/200, 192 into 125/200, 25 fives और 25 eights और 8 2 16, 8 4 32, 120 meter वो, तो remaining कितना बचा आपका 72 1/8, 9 meter is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 15। A number is increased by 10% and then reduced by 10% after this operation the number. देखिए एक ही नंबर पे 2% फिर वर्क कर रही है, तो x plus y plus xy upon 100. तो increase यानी कि plus 10, decrease यानी कि reduce माने minus 10, plus 10 into minus 10 divide by 100. 10 will be 10 cancel, 100 by 100, B answer होगा 1% decrease. Yes, very good. ठीक है, चलिए अभी सेशन वाला एंड होगा इसका 15%। ओ, और एक बार फिर से ऑनलाइन अभी मैं भेजता हूँ आप लोगों को लिंक, फिर से एक बार अगेन ऑनलाइन होके दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 15। Thank you.